हेलो स्टूडेंट, तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको कक्षा 12 ठीक है, जो कि एनसीईआरटी से एकदम बेहतरीन चला जा रहा है, तो ये आज का अध्याय 5 यानी पृष्ठ रसायन नामक चैप्टर से स्टार्ट है। ठीक है, तो ये भाग नंबर इसका 5वां है। इसके पहले हमने 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, अगर आप उसको देख लिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर भी नहीं देखे हैं तो आप उसको वहां से देख लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। ठीक है, वहां जाकर आप इसके पार्ट 4 या पार्ट 3 या पार्ट 2-1 किसी को भी देखना है तो आप 1 से 4 के बीच में जो भी पार्ट देखना है आपको देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको अगर नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 से पार्ट 4 तक पूरा देख लें। अगर आप पार्ट 1 से पार्ट 4 तक पूरा देखते हैं तो आपका जो कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको एकदम बेहतरीन तरीके समझ में आएगा तब स्टार्टिंग से। ठीक है, तो चलिए हम बात नहीं करते हैं। तो आपको जैसे पता है कि टाइम तो 8 से 9 के बीच में चलता है, जो कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट चलता है। ठीक है, चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमको पहले पढ़ना क्या है पार्ट 5 में। ठीक, तो पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमको क्या पढ़ना है, उसके बाद कैसे पढ़ना है उसके आगे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हमको पढ़ना है उत्प्रेरक वर्धक। ठीक है, ये आज का पहला टॉपिक है, हमको ये पढ़ना है आज, यानी ये भाग 5 में हमको ये पढ़ना है। और दूसरा पढ़ना है उत्प्रेरक विष, ये क्या होता है इसको जानेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद हम देखेंगे संदमक, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। फिर चौथा पॉइंट क्या है, उत्प्रेरक के गुण, इसको भी पढ़ेंगे अच्छे से। और संक्रियण ऊर्जा, ये संक्रियण ऊर्जा क्या है, यदि आप इसका नाम पहली बार सुन रहे हैं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में भी अच्छे तरीके से हम बताएंगे। ठीक है, और छठवां क्या है, उत्प्रेरण का सिद्धांत। ठीक, तो ये 6 पॉइंट है, इसके 6 पॉइंट के बारे में एकदम बिल्कुल डिटेल से बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लगे रहिए, बस देखिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक क्या है, पहला है उत्प्रेरक वर्धक। तो उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है पहले हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हमने पहले उत्प्रेरक वर्धक को ले लिया है, अब इसको समझते हैं कि उत्प्रेरक वर्धक होता क्या है। ठीक है, तो उत्प्रेरक वर्धक, तो ये पहला है आज का टॉपिक, तो इसको समझिए क्या होता है उत्प्रेरक वर्धक। वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। किसको बढ़ाता है, वह एक तरह का पदार्थ होता है। ठीक है, जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है तो उत्प्रेरक वर्धक। देखिए इसके नाम में ये उत्प्रेरक तो उत्प्रेरक होता ही है। ठीक है, वर्धक मतलब बढ़ा देता है, बढ़ाना। ठीक है, तो ऐसा पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। ठीक है, आपको परिभाषा अच्छे समझ में आ गया, तो चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या होगा इसका, इसको समझ लेते हैं वो भी अच्छे तरीके से, ताकि आपका कोई डाउट न हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल में ले लिए हम जैसे कि N2 ठीक प्लस 3H2, ये हो गया। अब ये देख लीजिए आप, तो ऊपर हो गया Fe ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा MO, ये दोनों क्या कर रहे हैं, वर्धक का काम कर रहे हैं। तो यही दो ये जो उत्प्रेरक हैं ये किसका काम कर रहे हैं, वर्धक का। तो इन दोनों पदार्थ को क्या कहेंगे, इन दोनों पदार्थ को कहेंगे आप क्या कहेंगे, उत्प्रेरक वर्धक। ठीक है, तो देखिए क्या बन जाएगा आपका, बनेगा ट्वाइस NH3, ये आपका हो गया पहला एग्जाम्पल नंबर 1। नोट करते चलिए आप लोग, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है तब भी नोट करिए, नहीं आ रहा है तब भी नोट करिए। ठीक है, चलिए अब दूसरा भी उदाहरण समझ लेते हैं, जैसे एक और उदाहरण लेते हैं दूसरा, जस्ट इसी बात, तो देखिए क्या हो जाएगा दूसरा में, जैसे हो गया CO ठीक है प्लस H2O ठीक है, ये हो गया। अब दिखाते हैं इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ भी देखिए Fe2O3 ये हो गया। ठीक है, अब नीचे क्या हो गया Cr2O3 ठीक, तो ये दोनों जो है वो क्या कर रहे हैं, वर्धक का। तो ये दोनों यौगिक क्या, ये दोनों जो पदार्थ हैं ये क्या करेंगे, ये वर्धक का काम करेंगे। ठीक है,
वर्धक का कार्य करेंगे, ये वर्धक है। तो इन तत्व दोनों तत्व को क्या कहेंगे, उत्प्रेरक वर्धक। ठीक है, तो आगे देख लीजिए इसको क्या बनेगा। तो इसमें बनेगा CO2 प्लस H2। तो रहे ये तो आपके एग्जाम्पल किसके, उत्प्रेरक वर्धक के। तो अब इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है, इसमें कुछ था नहीं। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, देखते हैं अगला है डेफिनेशन क्या है और अगला पॉइंट क्या है, उसको एकदम अच्छे तरीके समझते हैं। देखिए ये जो चैप्टर है ये थोड़ा थ्योरी टाइप का है, इसलिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं, अब इसमें बोरिंग ना हो। ठीक है, इसमें जितना ही डिफिकल्ट थ्योरी है उसको हम उतनी ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि आपको कहीं भी डाउट ना हो सके। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या टॉपिक। तो आपको उत्प्रेरक वर्धक अच्छे समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा टॉपिक क्या है, उत्प्रेरक विष। ठीक है, तो इसको भी समझ लेते हैं। तो इंग्लिश क्या कहते हैं, पोजंस कहते हैं। तो इसके आगे बढ़ते हैं, तो देखिए इसको समझते हैं पहले, उत्प्रेरक विष क्या होता है। उसमें तो वर्धक था तो बढ़ रहा था, अब उसका उल्टा है तो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, जाहिर सी बात, अब क्या घटेगा, कैसे घटेगा, ये समझ में नहीं आएगा ऐसे। तो हम इसको पहले समझते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या होगा, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देते हैं उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। ठीक है, तो जरा बात ध्यान समझिएगा हमारे। तो इसमें क्या हो रहा है, ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा दे रहे हैं, तो विष मतलब जैसे घटाना हो गया, ठीक है, घटना। ठीक है, और उसमें वर्धक मतलब बढ़ना था, तो उत्प्रेरक वर्धक मतलब उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता था। ठीक है, वर्धक मतलब बढ़ाना, तो बढ़ा देता था। यहाँ पे क्या है, उत्प्रेरक विष, विष मतलब घटना या फिर घटा दे रहा है किसकी क्रियाशीलता को। ठीक है, किसकी क्रियाशीलता को, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब इसमें भी एक एग्जांपल लेकर आपको समझा देते हैं हम। तो जैसे यहाँ पहला एग्जांपल लेते हैं, N2 प्लस 3H2। ठीक है, रिएक्शन हो गया आपका ये Fe, ठीक, यहाँ हो गया H2S। तो ये जो है ये क्या काम करेगा, विष का काम करेगा। विष मतलब घटाना, घटाना मतलब घटना, किसका घटना, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा दे रहा है। तो ये जो दो पदार्थ हैं ये क्या कर रहे हैं, उत्प्रेरक की विष, उत्प्रेरक के क्रियाशीलता को घटा दे रहे हैं। तो इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें विष कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। तो अब इसको नोट करिए, इसका आगे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ट्वाइस NH3। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल है, फटाक से नोट कीजिए इसको, थोड़ी सा भी देरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुरंत नोट करते चलिए, पेन कॉपी लेकर बैठिए और इसको तुरंत नोट करते चलिए। ठीक है, चलिए तो अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखिए दूसरा हो जाएगा 2H2, ठीक, प्लस O2 हो गया, ऊपर उपस्थिति हो गई PT प्लेटिनम की। ठीक, अब देखिए अब नीचे क्या हो जाएगा, As2O3। तो ये जो पदार्थ है ये क्या कर रहे हैं, ये विष का कार्य कर रहे हैं, मतलब इसकी क्रियाशीलता को घटा दे रहा है, किसके, उत्प्रेरक के। ठीक है, ये उत्प्रेरक है, तो एक ऐसे पदार्थ है जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे उत्प्रेरक विष। समझ में आ गया, चलिए तो आगे देखिए क्या बनेगा, उधर 2H2O। समझ में आ गया, चलिए जिसको समझ में आ रहा है वो अच्छे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे और लाइक अपना जारी रखें। ठीक है, तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो देखिए अगला टॉपिक क्या है, इसको समझते हैं, संदमक। अब पहली बार नाम सुन रहे होंगे तो कोई बात नहीं, हर चीज पहली बार सुनने को मिलता है। तो संदमक समझ लीजिए क्या होता है, संदमक में बहुत कुछ नहीं है। ठीक है, तो पहले इसको समझिए, इनहिबिटर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनहिबिटर कहते हैं किसको, संदमक को। तो चलिए इसको समझ लेते हैं, ऐसे पदार्थ, ठीक है, जो उत्प्रेरक को नष्ट कर देते हैं, ठीक है, संबंधक संदमक कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक को ही क्या करते हैं, खा जाते हैं, यानी खत्म कर देते हैं, पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, संदमक कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अब इसको समझ में आ गया। चलिए तो एक उदाहरण है, तो उदाहरण को लेते हैं, जैसे कि उदाहरण में आप ले सकते हैं किसको, As2O3। यह एक ऐसा पदार्थ जो संदमक का कार्य कर सकता है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये उत्प्रेरक को नष्ट कर देता है। ठीक है, तो इसे संदमक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनहिबिटर।
ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। संक्रियण ऊर्जा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। संक्रियण ऊर्जा होता क्या है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, तो इसको देखिए क्या कहेंगे, कैसे समझेंगे। पहले, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी अभिक्रिया को होने के लिए आवश्यक होता है उसे संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसे ईए से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया या फिर समझ में आया, दोनों में से कुछ भी हुआ तो आपके साथ क्या होगा, पेन निकालना होगा और नोट करना होगा। ठीक है, ये मत भूलिएगा, थ्योरी वाला चैप्टर है तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, इसको तुरंत नोट करिए। चलिए फिर समझा देते हैं हम। तो वह न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है, जो किसी अभिक्रिया को होने के लिए आवश्यक होता है उसे क्या कहते हैं, उसे संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसे ईए से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए हम इसको भी समझ ही लेते हैं, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। तो आपको हम अभी उत्प्रेरक वर्धक जो कि पहला टॉपिक था उसको एकदम अच्छी तरीके से समझा दिए। ठीक है, और दूसरा था उत्प्रेरक विष, उसको भी बहुत अच्छे से बता दिए। और आपका ये तीसरा पॉइंट था, मतलब तीसरा टॉपिक था, इसके क्या था, संक्रियण ऊर्जा। तो संक्रियण ऊर्जा के बारे में आपको बता दिए, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आपको संक्रियण ऊर्जा का जो कंफ्यूजन है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, चलिए तो अब चौथा पॉइंट देखते हैं। तीन तो हमने आपको बता दिया कि चौथा क्या है, ठीक है, उसको समझते हैं अच्छे से। तो देखिए चार पॉइंट बता दिए हम, तो ये आज का पांचवा पॉइंट क्या है आपका, उत्प्रेरक के गुण। ठीक है, तो उत्प्रेरक के कौन कौन से गुण होते हैं हम उसको देखेंगे। तो पेन कॉपी अगर आप लिए हैं तो आप उसको नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो पहले समझते हैं, पहला क्या है, किसी भी अभिक्रिया में, कोई भी अभिक्रिया हो, ठीक है, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक अपरिवर्तनशील होता है। ठीक है, ये जान जाइए, इसका गुण पहला है क्या होता है, जो अभिक्रिया होती है कोई भी अभिक्रिया हो उसमें जो उत्प्रेरक का कार्य करता है, जो ऊपर होता है, इधर जैसे मान लीजिए यहाँ एक्स है प्लस वाई है, ठीक, ये कुछ बना रहा है, तो ये जो ऊपर के उत्प्रेरक होता है, ये पॉइंट, यहाँ उत्प्रेरक जो होता है वो क्या होता है, अपरिवर्तनशील होता है। ठीक है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस प्रकार के गुण इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, किसके, उत्प्रेरक में। समझ में आ गया, चलिए तो अब दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक की अल्प मात्रा ही आवश्यक होती है। ठीक है, जैसे कोई भी अभिक्रिया हो तो उसमें जो उत्प्रेरक होता है उसका छोटा सा ही अंश हो, यानी कुछ ही मात्रा हो, ठीक है, थोड़ा सा ही बस, उतना होना क्या होता है, बहुत आवश्यक होता है। ये आपका दूसरा है, दूसरा गुण किसके, दूसरी प्रॉपर्टी है उत्प्रेरक के गुण का। ठीक है, उत्प्रेरक का जो है ये दूसरा गुण था। चलिए तो तीसरा क्या होता है उसको भी समझ लीजिए। तो तीसरा क्या होगा, उत्प्रेरक किसी किसी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता। ठीक है, उत्प्रेरक क्या होता है, किसी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए चौथा पॉइंट क्या है, चौथा है उत्प्रेरक अभिक्रिया के बाद बनने वाले उत्पाद की प्रकृति को प्रभावित नहीं करता या फिर नहीं कर सकता। तो इसको ध्यान समझिएगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे जैसे आपका यश टू हो गया था, ठीक, यहाँ पे हो गया था थ्री यश टू, ये हो गया, तो आपका ये देख रहे एक तरफ से यहाँ N2 हो गया, N2 प्लस 3S2 बराबर में हो जाएगा आपका ट्वाइस NH3, ट्वाइस NH3। जैसे ये मान लीजिए एक आपकी अभिक्रिया है, ध्यान देखिएगा, ये आपकी अभिक्रिया है, तो इसमें जो उत्प्रेरक, ये जो ऊपर है, यहाँ जो उत्प्रेरक होगा क्या होता है, बनने, ये जो उत्पाद, ये देखिए ये आपका क्या है, ये उत्पाद, इसको समझ लीजिए, जो बन के आता है आपका प्रोडक्शन उसे क्या कहते हैं, इसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्पाद, हो गया ये आपका उत्पाद का कार्य करेगा, कार्य क्या करेगा, ये उत्पाद होता ही है, और ये क्या है, ये
अभिकारक है और जो ऊपर होता है, उपस्थित होता है, उसको उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, तो यही इसमें कह रहा है कि अभिक्रिया के बाद उत्प्रेरक, जो उत्प्रेरक होता है, अभिक्रिया के बाद जो क्रिया हो जाती है उत्पाद की प्रकृति को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, जो ये बन जाता है तो इसपे कोई इसकी प्रकृति का प्रभाव नहीं पड़ सकता, किसके यहाँ, जो उत्प्रेरक होता है। समझ में आ गया। चलिए अब पांचवें पॉइंट तरफ चलते हैं, पांचवें पॉइंट के उसको देखें से। पांचवा है, उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर ही कार्य करते हैं। जो उत्प्रेरक होते हैं उनका एक टेम्परेचर जो है निश्चित होता है, ताप उनका जो होता है निश्चित होता है। ठीक है, उन्हीं पर वो क्या करते हैं, अपना कार्य करते हैं। इस ताप को क्या कहते हैं, अनुकूलन ताप कहते हैं। किस ताप को अनुकूलन ताप कहते हैं, उस ताप को अनुकूलन ताप कहते हैं जिसमें क्या होता है, उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर कार्य करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, निश्चित ताप पर जब कार्य करने लगता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अनुकूलन ताप। क्लियर है, पांचवा भी। चलिए तो अब अगला बढ़ते हैं, छठवां। छठवां क्या, इसको समझिए। छठवें में आपको उत्प्रेरक अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा, देखिए मैं आपको संक्रियण ऊर्जा के बारे में बताए थे, तो अगर आप उसको देखे हैं तो वीडियो अच्छी बात है, अगर नहीं देखे हैं, अगर आप लेट हो गए हैं थोड़ा सा, तो उसको वीडियो पीछे करके आप अच्छे से देख सकते हैं और देख के संक्रियण ऊर्जा को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए इसमें क्या है, उत्प्रेरक अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा का मान कम कर देते हैं। ठीक है, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो ये जो होता है उत्प्रेरक की अभिक्रिया, जो देखिए इसमें क्या है, संक्रियण ऊर्जा का मान कम कर देता है। ठीक है, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, उत्प्रेरक अभिक्रिया की। ध्यान देखिएगा, ये छठा पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान समझ लीजिएगा और इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे अगर आप छठवां नहीं भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पांच छो आपको अच्छे से इसमें तैयार होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम अगले टॉपिक की बढ़ते हैं। तो ये आज का छठवां टॉपिक है आपका, तो क्या है इसको समझिए, उत्प्रेरण का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कैटालिसिस। तो इसको समझ लीजिए, जो उत्प्रेरण के तीन सिद्धांत होते हैं, कौन कौन से सिद्धांत होते हैं हम उनके बारे में बिल्कुल डिटेल से बताएंगे आपको, आप थोड़ा वेट करिए। ठीक है, तब तक तो आप इसको समझने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार रहिएगा। उत्प्रेरण का सिद्धांत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये तीन सिद्धांत होते हैं, उत्प्रेरक के कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से बताएंगे आपको, बस ध्यान से आप देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो इसको समझिए, जो उत्प्रेरण का सिद्धांत होता है, ठीक है, वो कितने होते हैं, तीन होते हैं। तो इसमें हम तीन बातों की चर्चा करेंगे, इसके आने वाले अगले वीडियो में उन तीनों के बारे में एकदम बिल्कुल अच्छे से डिटेल से एकदम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही जानेंगे कि ये कौन कौन से होते हैं, तो इसको समझ लेते हैं इसी में। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, चलिए तो आगे देखिए क्या होगा। पहला क्या है, माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत। ये क्या है, ये पहला सिद्धांत है। ठीक है, तीन होते हैं तो ये पहला सिद्धांत है, माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत। इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। क्लियर है, चलिए हमको लगता है कि आप लोग को बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा, और जिसको समझ नहीं आ रहा है तो वो समझने की कोशिश करे। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर जो है थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का, इसमें थ्योरी सारा है, तो इसमें बोरिंग हो सकता है आपको, लेकिन बोरिंग नहीं होना है। ठीक है, चलिए मजे के साथ पढ़ना है आप लोग को, तो आप लोग तैयार रहिए। देखिए बोरिंग लेकर पढ़ेंगे तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर कठिन मान के पढ़ेंगे तो आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको सिंपल ही समझिए, और कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, ज्यादा तो दूसरा समझिए। दूसरा क्या है, अधिशोषण का सिद्धांत, ये दूसरा है। और इसको क्या कहते हैं, अधिशोषण को कहते हैं एब्जॉर्प्शन सिद्धांत को थ्योरी, तो एब्जॉर्प्शन थ्योरी। ठीक है, तो ये जो अधिशोषण का नाम आ गया, यदि आप इसको समझ गए होंगे, जो बच्चे देखे हैं वीडियो तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं देखे हैं, जो नए बच्चे हैं, तो उनको अधिशोषण समझना बहुत जरूरी है। तो इसकी वीडियो अधिशोषण के बारे में हमने आपको पार्ट वन पार्ट टू में बहुत अच्छे से डिटेल्स में डिस्कस किया है, तो आप उसको जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक, चलिए तो तीसरा क्या है इसको समझते हैं। तीसरा है आधुनिक सिद्धांत। तो आधुनिक सिद्धांत मतलब मॉडर्न थ्योरी। तो ये रहे आपके तीनों सिद्धांत। ठीक है, किसके सिद्धांत हैं तो आपको पता ही होगा, तो किसके सिद्धांत है, उत्प्रेरण के ये तीन सिद्धांत हैं। तो इनके हम बिल्कुल तीनों सिद्धांत पे, माध्यमिक हो, अधिशोषण का सिद्धांत हो, और
आधुनिक सिद्धांत को, तो इन तीनों के बारे में हम बिल्कुल डिटेल्स में बात करेंगे। तब तक आप इंतजार करिए अगले वीडियो का, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको जल्द से जल्द कितनी जल्द वीडियो चाहिए, ठीक है। उसके हिसाब से हम आपको जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड करा देंगे आपको, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है, चलिए जिस बच्चे को समझ में आ रहा है वो लाइक करे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताए, ठीक है। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ताकि बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाली न्यू वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो 8 बजे आप रेगुलर तैयार रहिए। आप देखिए बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रहा है, तो आप तैयार रहेंगे अपने टाइम से तो आपका एक बेहतरीन तैयारी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो जय हिंद जय भारत।